Have you ever think that how you can install GTA San Andreas iOS modes in your iPhone? Have you installed any Chrome menu in your iPhone? Well guys, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने iPhone के अंदर मोड्स को इंस्टॉल कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस आर देयर, इज इट सेफ इवन पॉसिबल। वेल इस वीडियो में मैं सभी फैक्ट्स के साथ में एंड रिसर्च के साथ में इस वीडियो को ले आया जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स देने वाला हूं कि आप अपने आईफोन के अंदर मोड्स को इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। काफी लोग मुझे अपने पुराने वीडियोस में भी पूछ रहे थे इन कमेंट सेक्शन कि हम अपने iOS डिवाइस के अंदर किस तरीके से GTA San Andreas मोड्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो हियर इज द वीडियो। एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट ये वीडियो पूरा फैक्ट्स और रिसर्च के साथ में बनाई गई है जिसमें मैं आपको वेबसाइट्स में भी जाकर के दिखाने वाला हूँ, कहीं मोडिंग की वेबसाइट्स में जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जानने के लिए मिलेगी। अगर आपके पास एक आईफोन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके अलावा गाइस चैनल के ऊपर मैं आगे फ्यूचर में बहुत सारे मोड्स लाने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे नहीं कराए तो जल्दी से मिस्टर सैफरन वाईटी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे ऑन यहाँ पे कर लो जल्दी, ठीक है। नाउ बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि आप अपने फोन के अंदर क्या मोड एपीके को इंस्टॉल कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया है और यहाँ पे करंटली आप देख सकते हो कि नो करंटली देयर इज नो वे टू इंस्टॉल अ मोड एपीके ऑन एन iOS डिवाइस। ओके, अब यहाँ पे ये चीज बोलता है कि आपके iOS के अंदर कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप अपने iOS अपने iPhone के अंदर आप कोई भी मोड एपीके को इंस्टॉल कर सको। बट यहाँ पे इसके आगे एक और बात कही है, वो ये है कि जेलब्रेकिंग your device is required in order to install modes which voids your warranty and could lead to security risk. Now, ये jailbreaking क्या है? चलो तो इसके बारे में भी जानते हैं। गूगल पे भी देख लो, jailbreaking your iPhone bypasses the device current and future security features. That's it. No. Making your device even more susceptible to hackers and malware. तो यहाँ पे सिंपली हमें ये बता दिया गया है, अगर आप अपने फ़ोन के अंदर आईफोन के अंदर जेल ब्रेक उसको कर देते हो तो आप अपने जेल ब्रेक करने के बाद में आप अपने फ़ोन के अंदर हैकर्स को बुला रहे हो, आप अपने फ़ोन को रिस्क में डाल रहे हो क्योंकि उसके बाद में आपके फ़ोन के अंदर सिक्योरिटी के सारे फीचर्स गायब हो जाएंगे और आपकी वारंटी हमेशा के लिए अवॉइड हो जाएगी अगर आपका आईफोन वारंटी के अंदर है तो। और उसके बाद में आपका फ़ोन में भी हैक हो सकता है हैकर्स के द्वारा। तो यहाँ पे हमें गूगल के द्वारा ये कहा गया है। एंड यहाँ पे मैं रेडिट पे भी गया था जहाँ पे मैंने इसके बारे में मैंने और यहाँ पे रिसर्च करी थी और रेडिट में काफ़ी लोग वो के वापस रिव्यूज थे, सजेशंस थे। तो अगर आप इन वाले भाई का देखोगे जो कि हमारे उपहारिक सिविड और ये एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, चलिए जानते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से कि यहाँ पे हमारा आईफोन के अंदर क्या मोड्स इंस्टॉल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो अगर जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया जेल ब्रेकिंग आप अपने फ़ोन को कर दोगे तो आप अपनी जो आईफोन है उसके अंदर आप मोड्स को इंस्टॉल कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम ये बोल रहा है स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट जेल ब्रेकिंग एन iOS डिवाइस, डोंट जस्ट डोंट, ठीक है। अब यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने हमें बोल दिया है कि बिल्कुल भी अपने फ़ोन को जेल ब्रेक मत करना, आपका फ़ोन खतरे में चला जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने नीचे बोला है देर आर नो मोड्स ऑफ द गेम फॉर iOS एंड देर वॉन्ट बी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी मोड iOS के लिए अवेलेबल नहीं है एंड इन फ्यूचर भी कोई भी यहाँ पे iPhone के लिए जो मोड्स है वो नहीं आने वाला है, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। मे बी इज इट राइट, मे बी रॉन्ग, राइट। और अगर यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो ये बोला है इफ़ यू वांट टू प्ले मोड्स एंड डोंट हैव एन एंड्रॉइड डिवाइस, अगर एंड्रॉइड डिवाइस है तो आप मोड्स को इंस्टॉल कर सकते हो। इफ़ यू डोंट हैव एनी एंड्रॉइड डिवाइस सिंपली इंस्टॉल एन एंड्रॉइड एम्यूलेटर ऑन योर पीसी एंड प्ले देयर, अगर आपके पास में कोई भी पीसी या लैपटॉप है आप उसके अंदर अपने एंड्रॉइड एम्यूलेटर को इंस्टॉल करके वहाँ पे गेम्स को इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है जेल ब्रेकिंग, देखो हमने अभी जितना देखा है काफ़ी लोगों काफ़ी रिसर्च के द्वारा ये बताया गया कि जेल ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमने यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से भी जाना कि हमें यार आईफोन को जेल ब्रेक नहीं करना चाहिए। बट क्या होता है अगर आप अपने फ़ोन को जेल ब्रेक कर देते हो, यहाँ पे आपका फ़ोन डैमेज हो सकता है, आपके फ़ोन के अंदर मालवेयर आ सकते हैं। कैसे मालवेयर आ सकते हैं? क्योंकि यार देखो मेरे ओपिनियन में हमने अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर भी बहुत लोगों ने यार रूट करा हुआ एंड्रॉयड डिवाइस को, बहुत सारे कस्टम रॉम्स डालते हैं। अब आई डोंट थिंक कि काफ़ी लोगों के फ़ोन यार डेंजर में चले जाते हैं, लाइक देयर आर सो रेयर केसेस, आई वुड से बहुत ऐसे रेयर केसेस होंगे
बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें काफ़ी लोगों के फ़ोन में मालवेयर आ जाता है, बट या यू आर फोन इज ओपन टू गेट अ मालवेयर तो ये एक रिस्क हो जाता है। बट इन माई ओपिनियन इट मे वेरी गाइज, अगर आपके पास में आईफोन है और वो एक डेडिकेटेड आपके मोड से आपकी गेमिंग के लिए है, आप उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो तो मे बी वर्थ इट टू जेल ब्रेक दैट फोन, क्योंकि वो फ़ोन एक तो आपका हो सकता है मे बी वो फ़ोन आपका पुराना हो और आप उसको उसमें आप अपने बैंकिंग के ऐप्स नहीं चलाते हो, तो उस केस में आप जेल ब्रेक कर सकते हो। तो इन माय ओपिनियन इन दैट केस जेल ब्रेकिंग विल बी द बेस्ट ऑप्शन, और जेल ब्रेक करने के बाद में आप अपने फोन के अंदर कोई भी चीज को इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हो जेल ब्रेकिंग यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद में कुछ इस तरीके के ऐप्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो, जो कि आईफोन के अंदर GTA San Andreas में कुछ ऐसा दिखाता है। यहाँ पे ऑप्शंस में जाके आप शो FPS भी कर सकते हो, चिट कोड भी लगा सकते हो, 60 FPS को एनेबल कर सकते हो। दूसरी इमेज में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आप स्क्रिप्ट्स को रन कर सकते हो जस्ट लाइक ए क्लो मेन्यू, जैसा कि हम अपने एंड्रॉइड के अंदर करते थे। आईफोन के अंदर इट्स वेरी डिफरेंट, यू कैन सी यू कैन इंस्टॉल एनी स्क्रिप्ट दैट यू वांट बट आफ्टर जेल ब्रेक। नाउ विच ब्रिंग्स मी द अनदर क्वेश्चन दैट हाउ यू कैन जेल ब्रेक योर आईफोन। नाउ I am not going to show you the entire process of jailbreaking in this particular video. There are also other videos on the YouTube that from you can jailbreak your phone. I don't wanna show that process in this video. This the purpose of making this video is only to educate you guys that install modes in your iPhone device or not. So this was all the researches and facts that I found on the internet and I hope that you like them. और आपके पास कौन सा डिवाइस है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूँ कि हमारे ऑडियंस के पास में मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस के पास में कौन सा फोन वो यूज करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, क्योंकि फ्यूचर में मैं मोड्स अपलोड करने वाला हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर GTA enthusiast, just connect to this channel and I'll meet you in the particular next video. Thank you so much for watching this video again. Signing out from the Mystery Apron, Voity Chinesh Sony, signing out.